यह वर्लपूल का इंडोर आउटडोर दोनों मैंने लगा दिया है, कम्युनिकेशन भी कनेक्ट कर दिया है। और एक्चुअली ये आया था AF6 का एरर था इसमें, तो आप देख रहे हो मैंने सब कनेक्ट कर दिया है और कंप्रेसर भी कनेक्ट कर दिया है। तो इसके विषय में बात करते हैं और इसका मैं डायग्राम के ज़रिए, अभी तो मैं काम कर रहा हूँ लेकिन खाना खाने के बाद जब भी सोने जाता हूँ तो मेरे पास कुछ टाइम बचता है, उसमें इस वीडियो को मैं पूरा करूँगा। और डायग्राम पे पहले इसको समझेंगे और आगे फिर देखेंगे इसको। तो एक चीज़ तो है कि यह कोई इंटरनली जितनी गहराई तक बात है वो कोई बताने वाला आपको नहीं मिलेगा। आप सोचेंगे मेरे बारे में, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी एक खासियत रही है कि अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताने में, उस चीज़ को समझाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बहुत अच्छी तरह से कोशिश करूँगा कि आप समझो, लेकिन जब मैं कुछ कह रहा हूँ और आप सुनने की कोशिश नहीं करेंगे तो वहाँ पे वही बात हो जाती है कि झूठ मूठ का बकना हो जाता है, मैं बकते जाऊँ आप सुनो नहीं। तो पहले इसका देख लेते हैं चलने का तरीका, और इसमें जो मुझको मिला है यहाँ से बराबर चेक करने पे ये परफेक्ट चल रहा है, यानी हाई साइड में जो चेक करने का तरीका है वो बराबर है। और IPM चलता है जैसे 6 IGBT या MOSFET के ज़रिए, तो आज हम उसी विषय में बात करेंगे और डायग्राम पे भी उस चीज़ को समझेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो लोड भी नहीं ले रहा है, लोड बोले तो इसमें कोई ऐसा नहीं कि लोड ले रहा है। कैपेसिटर जब भी चार्जिंग हो रही है उस समय एक पिक आता है, वो पिक आ रही है, यानी बल्ब जो है 200 वाट का ग्लो होगा और फिर स्लो हो जाएगा, तो वो पिक इसका रहता है। जब भी कम्युनिकेशन डायरेक्ट होता है तो ये बाईपास होता है ना, यहाँ से मैं आपको बता दिया हूँ कि ये बाईपास होता है इसे, और ये वर्क करता है वोल्टेज को बढ़ाने के लिए, PFC को जनरेट करता है, तो उस समय एक पिक आती है। अभी इसका कम्युनिकेशन आया और इधर आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें कोई ऐसा नहीं है, कोई भी लोड नहीं है, बल्ब कोई ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, अब ये बंद भी हो गया और बंद होने का कारण ये है, उसमें एरर भी नहीं आ रहा है। वो तो एक अटेम्प्ट करेगा, दो अटेम्प्ट करेगा, तीन अटेम्प्ट स्टार्ट करने की, तो नहीं होगा। तो अभी ये ब्लिंक मारेगा, ये ठीक है, ये ब्लिंक मारेगा, फिर स्टेबल होगा, फिर वही काम करेगा, फिर वो चलता रहेगा। तो प्रॉब्लम है, तो जो अभी मैं डायग्राम में आप इसको पूरा बाकायदे समझाने की कोशिश करूँगा, आप इसको एक बार समझ जाएंगे तो मीटर में भी देखते रहिए। और इसका अटेम्प्ट जैसे ही होता है तो वोल्टेज हम चेक करता हूँ और आप भी देख लीजिए, ये जो है पॉजिटिव है और इस तरफ नेगेटिव है। अटेम्प्ट होगा तो इसको देखेंगे कि यहाँ पे इस तरफ से जैसे ये चालू होगा, तो अगर जो जब ये चालू हो जाएगा ये कंप्रेसर ऑन होगा, अभी तो कंप्रेसर लगा नहीं है अभी इसका जो है, तो अगर जो हम पॉजिटिव की तरफ रखते हैं और जिस समय ये चलता रहेगा, यूनिट हमारी चालू रहेगी, वहाँ पे अगर चेक करेंगे तो हमको यहाँ पे नेगेटिव भी मिलेगा, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। और इस तरफ से जब भी करके देखेंगे ये नेगेटिव पे रख करके यहाँ पे, तो हमको पॉजिटिव भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव भी आपको तीनों पे मिलेगा जब ये रनिंग में रहेगा उस समय। बहुत से लोग ये बताएंगे आपको कि चेक करने के लिए इस लाइन से यहाँ से चेक करो, वहाँ से चेक करो, ऐसा कुछ नहीं है। चेक करने का है तो एक ही आपका पास तरीका है, यहाँ पे रखिए प्लस पे या माइनस पे, कहीं पे एक पिन को आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा और इस पे जब भी लगाएंगे तो आपको चेक कर सकते हैं। अब ये बोलोगे कि कैसे, तो ये चीज़ आप बहुत आसानी से समझ जाओगे जब मैं आपको पूरा इसका विस्तार में एक बार इस सिस्टम के बारे में बता दूंगा, तो आप बहुत आसानी से इसको आप समझना शुरू कर देंगे। तो ये देखिए अभी इस पे अटेम्प्ट होने वाला है, क्योंकि ये लाइट डायरेक्ट ग्लो हो गई, तो अभी अटेम्प्ट होगा, इसके बाद देखते हैं। और मैं फटाफट करूँगा यहाँ पे ऐसे दोनों में, तो आप देख लीजिएगा और साउंड भी आता रहेगा, तो उस अटेम्प्ट को देख लेते हैं। इधर से देखिए तो अभी आ गया, इस पे अटेम्प्ट आया, लेकिन अभी बोल जितना भी इसमें चेक किया तो करने के बाद हमें मालूम पड़ा, और यह AF6 के एरर पे आया था, लेकिन सब करने के बाद मैं अपने ढंग से जब यह सब कंप्लीट कर लिया तो यह PCB चलने को तैयार ही नहीं। तो हो क्या रहा है आप देखिए इसको, तो मैं इसको पावर को ऑन कर रहा हूँ और पावर ऑन हो जाता है, तो चलिए मैंने चालू कर दिया। भरोसा रखिए जो भी रहेगा सामने मैं दिखाता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई 420 और वो सब 420 ऐसा मुझे नहीं मालूम है, वो सब मैं करता नहीं हूँ। तो यू कैन सी दिस प्रॉब्लम, देखिए कंप्रेसर पे कुछ भी नहीं चला ही नहीं कंप्रेसर, और ये अटेम्प्ट करके रुक गया,
तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो क्या है, तो अंग्रेजी वाले भाई उनको बार बार वो लोग बोलते हैं कि आप अंग्रेजी में करिए, तो भाई मैं अंग्रेजी मुझको नहीं आती है, फिर भी उसी में चल रहा है तो चलने दीजिए। पूरा चेक करने के बाद हमको जो चीज़ मिला, अभी मैं इसको चालू भी करूँगा, आप देखिएगा, और इफ़ यू कमेंट द आई विल गिव आंसर, कमेंट करिएगा तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि सिर्फ ट्रिक, क्योंकि बाद में इसमें आ जाते हैं लोग, बहुत से ऐसे लोग आकर के मैं देखा हूँ, बहुत वो आते हैं सिर्फ कमेंट करके, और ऐसा कमेंट करेंगे कि जिसका जवाब देना वो लगता है। आप कमेंट करिए, जो आंसर देने जैसा रहेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे मैं 3 वायर कनेक्ट करता हूँ, और इसके अंदर वो भी बता देता हूँ, इसको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल रहा था, इसके लिए ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ अभी। जब भी IPM काम करता है तो इन 3 वायर से ही यह समझता है कि हमको लोड ओवर जा रहा है या कम, जितना हमें डिजाइन किया गया है वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो इसमें जो फीडबैक है वो बन नहीं पा रहा था, तो अभी स्टार्ट होता है तो देखते हैं, तब तक मैं पॉज मारता हूँ इसको। तो अब भी आप देख सकते हैं, ओके, ये किसी भी है, तो अभी मैं बंद करता हूँ, आप देख ही सकते हो। तो मैंने बंद कर दिया, और इसके अंदर मैंने पूरा सर्च कर लिया, सब सर्च करने के बाद, यहाँ तक कि हाई लो ये जितनी भी है मैंने सब बकायदे पूरा चेक करने के बाद, तो हमें ये पता चला कि भाई इसमें कुछ और ही बात बन रही है, और इस तरह से, क्योंकि मैं जो करता हूँ थोड़ा अलग करता हूँ, और उस चीज़ को दूसरे लोग जब भी देखते हैं तो उनको ये लगता है कि ये बकवास है। तो बात आप समझिए मेरी कहने का मतलब, जब आपको पूर्ण रूप से नॉलेज नहीं है जिस मामले में, तो आपको वो चीज़ व्यर्थ लगेगी, लेकिन मैं बोला ना कि ब्रेन छोटा नहीं है, जो भी फाइल मिलती है रखते जाओ, और जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी वो फाइल निकल के सामने आ जाएगी, और फट करके आपका काम सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो फाइल थी वो फाइल आई, मैंने समझ गया, तो यहाँ पर मैंने वो सिस्टम क्रिएट कर दिया, चालू हो गया, ये PCB डन है, एकदम फिर मिलते हैं। और एक चीज़, हमारे वीडियो में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, उतार चढ़ाव का मतलब ये, कभी आप आ जाओगे एकदम निचले स्तर पे, और कभी आप आ जाओगे बिल्कुल ऊपरी स्तर पे, तो बहुत ज़्यादा, जो सिर्फ एक लेवल पे चलते हैं, तो ऐसा मत आप समझिए, आपको हमेशा नॉलेज की मिलेगी वीडियो, क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में आप जा करके देखेंगे तो पंखा बाइंडिंग से लेकर के ट्रांसफार्मर बाइंडिंग तक की मैं बात किया हूँ, यहाँ तक कि EVM मशीन हैकिंग का भी उसमें है, और बहुत कुछ है, लेकिन कभी वो टाइम नहीं मिला कि मैं उसी विषय पे बात करूं। अभी मैं बार बार बोलता हूं, अभी मैं यहां पे हूं तो मैं इसकी बात करूंगा, जिस दिन यहां से हट करके दूसरे पे जाऊंगा तो दूसरा काम करूंगा। ट्रांसफार्मर की भी आ सकता है, स्टेबलाइजर की भी आ सकता है, मोटर की वाइंडिंग की भी आ सकता है, तो कोई दूसरा मुझको बताने वाला नहीं, मैं अकेला पर्सन हूँ, ये नोट कर लीजिए, अकेला पर्सन हूँ जो ऑल इन वन। लगेगा आपको कि मैं घमंड से बोल रहा हूँ, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि 25 साल एक लाइन में पूरी फील्ड में दौड़ना कम नहीं है, पैसे के पीछे मैंने कभी नहीं भागा, उसका ही नतीजा आज है। तो आप लोग के बीच में हूँ, जो भी मेरे पास है मैं आपको देता रहूँगा, आप लेते रहिए, आप सफल हो जाइए, मेरे लिए वही बहुत है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।